पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंचे ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए विभिन्न सवालों के जवाब दिए। इस दौरान लखनऊ के बाद अब गाजीपुर का नाम बदलने की मांग और राजभर ने सीएम योगी को पत्र लिखा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इतिहास में कुछ चीजों को छुपाया गया है और जिस सोच के साथ बदले गए, मुझे लगता है कि उनका पुराना वैभव है वो वापस आना चाहिए, जो उनकी पहचान है वो उन्हें मिलनी चाहिए। तो वहीं जब उनसे अडानी ग्रुप के टेंडर एमपी के बाद अब यूपी में कैंसिल हो गए हैं, इस पर भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये एक अलग प्रक्रिया है। टेंडर पास होना और टेंडर ना होना, निकलना, जो उसमें टेक्निकल चीजें हैं और उसमें टेक्निकल चीजें मांगी गई होंगी, उसी के हिसाब से ये कार्रवाई की गई है। देखिए, मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थानों से लेकर बजट पर पूरी गंभीरता के साथ सारे विषयों को देखते हुए हम लोग देखते थे कि पहले जिस तरह से कभी कभी कुछ संस्थाओं के माध्यम से जो बंदरबांट की जाती थी, सरकार पूरी मॉनिटरिंग करने के साथ मुझे लगता है कि जहां आवश्यकता होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए चाहे वो कोई भी वर्ग हो उस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेगी। लखनऊ के बाद अब गाजीपुर का नाम बदलने की एक मांग हुई है, फिर से क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है सर राजभर जी ने, क्या कहेंगे? यदि मैं लक्ष्मणपुरी की बात कर रहे हैं ना, गाजीपुर जी, देखिए इतिहास में कुछ चीजों को छुपाया गया और जिस सोच के साथ बदले गए, मुझे लगता है कि जो उनका पुराना वैभव है वो वापस आना चाहिए, जो उनकी पहचान है वो मिलनी चाहिए। ग्रुप के जो टेंडर थे वो कैंसिलेशन की तरफ चल रही है और वो भी कैंसिल कर दिए गए, क्या कहेंगे इसको? देखिए, एक अलग प्रक्रिया है, टेंडर पास होना, टेंडर होना, टेंडर निकलना, जो उसमें टेक्निकल चीजें हैं ये तो टेक्निकल चीजें जिन लोगों ने मांगी होंगी, जो उसकी प्रॉब्लम होगी उसके अनुसार ही कार्रवाई कर रहे होंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।